हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस बोर्ड के बारे में। गाइस, मार्केट में कोई बोर्ड इस तरह से नहीं मिलता है। इसको मैंने अपग्रेड किया है, एक एक्स्ट्रा हीट सिंक और एक कूलिंग फैन लगाया है। क्यों और किस लिए आगे बताऊँगा। ये एक 4.1 होम थिएटर बोर्ड है, क्लास ए बी एम्पलीफायर है। इसमें 4 TDA 2050 IC लगा हुआ है। पहले इस IC के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वैसे तो ये बहुत स्मॉल ट्रांजिस्टर है, बट इसकी परफॉर्मेंस एंड पावर बहुत ही अच्छी है। बहुत ही हाई क्वालिटी के ऑडियो आती है इसमें से, और इस चैनल पे भी बहुत हाई क्वालिटी वीडियो बनते हैं। तो थोड़ा सा वो रेड बटन पे क्लिक कर दो प्लीज़, बस थोड़ा सा। वैसे वो बटन अब ब्लैक हो चुके हैं। तो गाइस, आप इसका पावर सप्लाई एंड आउटपुट के बारे में जान लेते हैं। मैक्सिमम 32 वाट का ऑडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रॉपर सप्लाई दी जाए तो। मिनिमम 4.5 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम 25 वोल्ट तक पावर सप्लाई देख सकते हैं। 22 वोल्ट पर 32 वाट आउटपुट निकलता है इंटू 8 ओम लोड पर, एंड तब टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन होता है 10%। 18 वोल्ट पर 35 वाट आउटपुट निकलता है 4 ओम लोड पर, एंड टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन 10%। और अगर आप जीरो डिस्टर्शन पे सुनना चाहते हैं तो 22 वोल्ट सप्लाई पर 18 वाट आउटपुट निकल सकते हैं 8 ओम लोड पर, और 4 ओम लोड पर 28 वाट आउटपुट मिलते हैं। तब डिस्टर्शन होते हैं 0.05%, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। तो समझ सकते हैं कितना अच्छा ये बोर्ड है। तो गाइस, आप इसकी फिजिकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ये दो ट्रांजिस्टर को ब्रिज किया गया है सबवूफर के लिए, और ये दो लेफ्ट और राइट सैटेलाइट स्पीकर्स के लिए। चलिए 4.1 नहीं 2.1 है, क्योंकि सैटेलाइट स्पीकर्स के लिए दो ही ट्रांजिस्टर लगाया गया है। स्पीकर्स के कनेक्टर्स 4 लगाने से 4.1 नहीं बन जाता। पता नहीं गाइस क्यों कंपनी इसको 4.1 कहती है। और यहाँ दो 4588 IC लगाया गया है, एक ट्रेबल के लिए और एक बेस के लिए। 2805 ट्रांजिस्टर लगाया गया है ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर देने के लिए, और दो कैपेसिटर लगाया गया है 25 वोल्ट 33,000 माइक्रोफैरेड का। कनेक्शन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पावर सप्लाई देना है ट्रांसफार्मर से, यहाँ ऑडियो इनपुट जो कि हम ब्लूटूथ से देंगे, और यहाँ एक पोटेंशियोमीटर लगते हैं बेस को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट निकलता है ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर सप्लाई देने के लिए। यहाँ सबवूफर लगते हैं, और यहाँ दो सैटेलाइट स्पीकर्स लगते हैं। गाइस, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अभी तक देख लिया है तो पूरा भी देख लीजिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से वीडियो के इम्प्रेशन बहुत बढ़ जाते हैं, तो व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में ये बोर्ड कुछ ऐसे मिलेगा। मैंने इसको थोड़ा अपग्रेड किया है, क्योंकि जब हम इसमें मैक्सिमम पावर सप्लाई देते हैं तो ये बोर्ड बहुत ज़्यादा हीट करता है, जिससे ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं। इसलिए मैंने अलग से ये हीट सिंक और ये कूलर लगाया है, जिससे ये बोर्ड बिल्कुल भी हीट नहीं करता है, और साउंड क्वालिटी भी मस्त आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कनेक्शन करते हैं और देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसा है। इस ट्रांसफार्मर को यूज़ कर रहे हैं बोर्ड को पावर देने के लिए। पूरा कॉपर से बना हुआ है, और ये 18018 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। साइड में ये छोटा सा SMPS अलग से लगाया है फैन को चलाने के लिए। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं ऑडियो इनपुट देने के लिए। आप 3.5 mm जैक से भी दे सकते हैं। और गाइस, लेफ्ट और राइट के लिए हम 16 वाट 8 ओम का सैटेलाइट स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, और बेस के लिए स्वीटन का 60 वाट 4 ओम सबवूफर यूज़ कर रहे हैं। स्पीकर्स इनक्लोजर में लगा हुआ है, तो साउंड तो अच्छा ही आना है। कनेक्शन कर लिया है, आप म्यूजिक प्ले करते हैं। अभी बेस को 0 पे रखते हैं, पहले सैटेलाइट को चला के देखते हैं।
ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, नॉइज़ ना के बराबर है। अब बेस और सैटेलाइट दोनों एक साथ चला के देखते हैं। गाइस देख सकते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी है। वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।